SRM टुडे शहर की आवाज। मंसूर कोर्ट परिसर में बने अस्थायी जेल में बंद कैदियों से पुलिस द्वारा नियमों के विरुद्ध कार्य करवाने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस द्वारा कैदियों से हथकड़ी बांधकर पानी भरवाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। मंदसौर के कोर्ट परिसर में सरेआम पुलिस की गिरफ्त में कैद हथकड़ी में बंद कर पानी भर रहा ये कैदी दरअसल कोर्ट परिसर के अस्थायी जेल में बंद कैदी है, जिससे पुलिस द्वारा हथकड़ी बांधकर नियम विरुद्ध कार्य करवाया जा रहा है। इस संबंध में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष जयदीप सिंह ने बताया कि कैदी को न्यायालय में हथकड़ी में लाना ही मना है, लेकिन यहां तो पुलिस द्वारा कैदी से हथकड़ी बांधकर नियम विरुद्ध कार्य करवाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है। ऐसा तो सश्रम कारावास के कैदी से भी नहीं करवाया जाता, उनसे भी सिर्फ विधि सम्मत कार्य ही करवाया जा सकता है। इसलिए कैदी से ऐसा कार्य करवाने वाले पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो जेल के अंदर यहाँ पर जो कोर्ट के अंदर जेल बना हुआ है, यहाँ पर कैदियों से पानी भरवाया जाता है जी। हाथों में कड़िया होती है, उनके हाथ कड़िया क्या कहना? देखिए, न्यायालय परिसर में या न्यायालय के अंदर कैदी को हथकड़ी में लाना भी मना है। काम करना तो फिर काम करवाना तो गलत ही बात है। अगर कोई सश्रम कारावास का कैदी है, जिसको सश्रम कारावास हुआ है, तो उसको विधि सम्मत उससे कार्य करवाया जा सकता है, जो भी जेल मैनुअल के अंतर्गत आता है ये नियम। तो क्या लगता है जो नियम इस तरीके से पुलिसकर्मी द्वारा हथकड़ी हाथों में बांधी हुई है उनके, और उसके बाद पानी भरवा रहा, तो क्या लगता है ऐसा करना नहीं चाहिए? अगर ऐसा कोई करता है तो ये नियम विरुद्ध काम है, कार्रवाई होनी चाहिए पुलिसकर्मी। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे शहर की आवाज़।